जाइए उधर से जाइए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यार, वेलकम टू माय चैनल नई वीडियो के साथ। आज हम लोग बहुत ही खतरनाक वीडियो बनाने वाले हैं, बिकॉज आज मैं जाने वाला हूँ शूट पे। तो शूट क्या है वो मैं आपको डिटेल देता हूँ। विकी कौशल की एक नई मूवी आ रही है, शाम बहादुर। विकी कौशल को तो सब जानते हैं आप। शाम बहादुर नई मूवी आ रही है, 12 बजे का कॉल टाइम है। फिलहाल बज चुके हैं 6, इसके बाद मेरे को नहाना है, थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगा, उसके बाद बाहर जाना है, काम करके आना, उसके बाद हम लोग चलेंगे शूट पे। तो शाम बहादुर मूवी है, ये एक पुराने टाइप की, मतलब 1972 की लगा लूँ, हाँ तब की, जब जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी जी थे, तब के टाइम पी है। उसमें पहले भी एक बार इसका कर चुका हूँ, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। इंदिरा गांधी जी बने हुए हैं, एक लड़की है जो, तो वो भाषण देती है, ऐसा कुछ करती है। देखो नेक्स्ट में क्या होगा अभी, या तो वैसे ही शॉट हो सकता है कोई भी, क्योंकि वैसे ही सेट बना के भेजा हुआ है। हम भी नीचे चलेंगे, नहाएंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। इसके बाद मैं रात में कुछ शूट नहीं करूंगा, सीधा डायरेक्ट हम लोग सेट पे मिलेंगे, वहाँ पे विकी कौशल के सेट पे हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे। शाम बहादुर की मूवी देखो, ऐश करो, मजे करो, वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। मतलब आज का जो शॉट है ना, वो एक ये मतलब स्टेज बना हुआ है यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने का। तो ये जो पूरा ग्राउंड है, इधर ग्राउंड में पूरा कुछ तो होने वाला है आज, हमें खुद नहीं पता। ये एक सस्पेंस है, कार्तिक आर्यन की कौन सी नई मूवी आ रही है मुझे भी नहीं पता। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का स्टेज है, देखते हैं क्या होता है आज इसमें वीडियो में। यार घड़ी तो है नहीं है, वैसे 4 बज चुके हैं ना, तो शूटिंग स्टार्ट होने वाली है थोड़े टाइम में। हम लोग को कॉस्ट्यूम दे दिया, देखो क्या बना दिया तुम्हारे भाई को, और भल्ला भाई को भी ऐसा ही बना दिया है। थोड़ा नज़दीक आ जाइए, हम 10 लोग हैं ऐसे आज ऑडियंस में आए हम लोग। बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ तक का जो हमारा सफ़र था। आगे देखते हैं पूरा दिन क्या होगा। दिन 12 बजे तक शूटिंग ही हमारी जो चलेगी। कार्तिक आर्यन शायद बोल रहे हैं आएगा, एक विशाल कौशल, दोनों में से एक बंदा आएगा, तो देखते हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, वो भी मिलेंगे। और शूटिंग कैसे होती है, क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराएंगे। आज देखना पूरे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि आज वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आज फोन शायद अलाउ हो सकते हैं हमारे, अदरवाइज नहीं होते यहाँ। तो आज फोन अलाउ होंगे। निश्क भल्ला अभी तैयार हो चुके हैं भाई, हम लोग बन गए हैं, पता नहीं क्या बन गए, हम लोग खुद को नहीं पता चल रहा है क्या बना दिया आज हम लोग को। तो भाई बहुत मस्त लग रहे हैं, वैसे हम लोग को ऐसा लग रहा है, तुम बताना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। सुबह का टाइम हो गया अभी, मतलब रात में हम लोग 3 बजे आए थे, अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है क्या नहीं। कौन सी प्रोडक्शन में हो? वैनिटी वैन है तुम्हारी। अच्छा कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है, शूटिंग है। एक्टर किसकी वैनिटी है ये आज? ये है सुमित भाई की, एसविल भाई की। और कार्तिक आर्यन आ रहा है क्या? कार्तिक आर्यन कौन सा वैनिटी है उसका? ये वाला। अरे वाह, कार्तिक आर्यन की वैनिटी। भाई मिलने का मौका मिलाओगे एक बार? मिलाओगे ना? पक्का हाथ मिलाओ, पक्का मिलाओगे ना? तुम्हारे पास आऊँगा, पहचान के रखना ठीक है मेरे को। एक भाई कार्तिक आर्यन से मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। तो यार यहाँ प्रोडक्शन टीम वाले आसपास घूम रहे हैं, हम लोग ब्लॉग चालू करके रखे हैं। यहाँ खाने का डिपार्टमेंट है, इधर मेरे साथ है मेरा जान दिलप्रीत, बहुत डर डर के है। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको आवाज मेरी आ रही होगी इतने दूर से, तो कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रहे हैं यार, है ना। बस बंद। खाने का जो डिपार्टमेंट है वो ऐसे लगा हुआ है, देख सकते हो आप, शूटिंग में ऐसा कुछ होता है, हर जगह नहीं ऐसा होता। अच्छी प्रोडक्शन होती है तो ऐसा होता है, घटिया प्रोडक्शन होती है तो एक लाइन में लगा के खड़ा देते हैं। मजा हुआ है हमको, देखो कुछ खाने को नहीं मिल रहा, खाने को वहाँ पे लगा ही नहीं। हो गए आए हुए, क्या प्रोडक्शन है यार। फिलहाल काफ़ी धूप हो गई है यार, बिकॉज इसीलिए उन्होंने सुबह 3 बजे बुलाया था कि 4, 5, 6 बजे तक वो शूट स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज उसके बाद ज़्यादा धूप हो जाएगी तो लोग भी नहीं रुक पाएंगे और आर्टिस्ट भी नहीं रुक पाएंगे वहाँ पे। यहाँ देखो जी, यहाँ सेट है, सामने प्रधानमंत्री है, जरा इधर है प्रधानमंत्री की कुर्सी है, इधर सीन चलूगा अपना आज। जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं उनको बता दूँ, ये जिमी जीप है जो सामने दिख रहा है आपको, जिमी जीप, इस पे मतलब ऊपर जाने के शॉट लिए जाते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। कोई भी पानी पी के बोतल यहाँ वहाँ नहीं फेंकेगा, समझ गए? कोई नहीं फेंकेगा, नहीं फेंकेंगे भाई, नहीं फेंकेंगे। तो यार जब लास्ट टाइम हमने मिर्जापुर किया तब भी ऐसे ही चंपू जैसे बाल बना दिए थे, आज भी ऐसे बना दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग आज ऑडियंस में है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कैरेक्टर या कुछ भी नहीं है। आज हम सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं ऑडियंस में, और आप सबको मनोरंजन करवाने के लिए कैसे शूटिंग होती है और क्या सब होता है ना। सो फिलहाल कट हुआ है, हम लोग इसीलिए बाहर आए हैं, मैं और भल्ला भाई, कट हुआ है, हाँ थोड़ा राउंड इधर काटेंगे, घूमेंगे, चलेंगे उसके बाद थोड़ा इस मूवी के रिलेटेड। एक चीज बताऊं, ये जो है जूनियर आर्टिस्ट का, इसमें एक चीज सही रहती है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगी, पूरा टाइम आपको वहीं रहना है, थोड़ा बहुत इधर उधर अपना मन करे तो गोली मार के निकल सकते हैं अपन, ऐसा भी। देख लो हमारी नकली इंदिरा गांधी जी, जो मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ ये मूवी एक्सेल, इसको यूज़ किया जाता है एक गिम्बल की तरह, इससे वीडियो बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल जर्क नहीं आता है, जैसे अभी मेरी आवाज़ में आया था।
और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैमरा लगाने के सेटअप हैं। जो सामने ये है पैंथर डॉली भी बोलते हैं इसको, इससे जूम शॉट या क्लोज शॉट लिए जाते हैं या इधर उधर के नॉर्मल शॉट लिए जाते हैं इससे। ये मोस्टली यूज़ होती है शूट में। ये जो मूवी एक्सेल है यार, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी चीज़ें मैं इसकी सीख भी गया था पहले, उसके बाद फिर घर जाने की वजह से सब भूल गया हूँ फिलहाल। ये जो पैंथर पे कैमरा लगा हुआ है देखो, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी कीमत है। ये फिल्टर लगाते हैं आगे इसके, बहुत ही शानदार वाले। ये जो मॉनिटर लगाया है इस पर बैठते हैं ट्रैक्टर, ये छोटे वाला है, उस पर 2-3 लगे होते हैं जब ट्रैक्टर बैठते हैं। तो अभी मेरा फिलहाल चूतिया दोस्त बैठा है। एक्चुअल में एक्टर जो होते हैं वो डायलॉग कैसे बोलते हैं वो इसमें आपको दिखेगा। आवाज़ थोड़ी कम आएगी बट आपको दिखेगा, मतलब कितना कॉन्फिडेंस होता है इन लोग के, इतने लोगों के सामने बोलना एक डायलॉग होगा इतना लंबा। तो देखो आप कैसे बोलते हैं वो। ओ यार मेरे पीछे का व्यू कितना खतरनाक आ रहा है देखो यार, वाओ नाइस। तो यार आपने जो हमारा वीडियो देखा विक्की कौशल वाला, कैसी लगी आपको शूटिंग, कैसा लगा वहाँ का माहौल, जितना हो सका उतना आपको कैप्चर करके दिखाया। तो कैसा लगा आप एक बार जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना शूटिंग कैसी लगी। कल हमारी मिर्ज़ापुर की शूटिंग है, कल शायद मैं उधर नहीं जाने वाला हूँ बिकॉज मुझे और दूसरी जगह जाना है, पर मिर्ज़ापुर में हमारे काफ़ी लोग जाएंगे। अगर मैं जाऊँगा मिर्ज़ापुर में तो आपको वीडियो जरूर शेयर करूँगा दोबारा से। एक हमारा पहले ही ब्लॉग आ गया मिर्ज़ापुर पर, एक और आ जाएगा। सो बाय बाय गाइस, लव योर सिंदा, नेक्स्ट वीडियो।